क्वेश्चन 15, इसमें मुझे कहा गया है कि जो इक्वेशन है इसके रूट्स मुझे निकालने हैं। तो देखिए इक्वेशन को पहले एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लेते हैं। एक्स और एक्स माइनस टू का एलसीएम एक्स इंटू एक्स माइनस टू आएगा, एक्स से एक्स कैंसिल है, एक्स माइनस टू की वन से मल्टीप्लाई करेंगे आप, आपके पास एक्स माइनस टू आएगा। लेकिन बहुत ध्यान दीजिएगा, बीच में साइन माइनस है, एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल है, तो बचता एक्स है, एक्स की वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा, बीच में माइनस है, ब्रैकेट का जरूर यूज़ कीजिए, इज इक्वल है थ्री। इसे और सिंप्लीफाई करूँगा, ऊपर ब्रैकेट खोलूँगा तो ये आता है एक्स माइनस टू माइनस एक्स, नीचे ब्रैकेट खोलेंगे मल्टीप्लाई होगा एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स का माइनस टू से मल्टीप्लाई माइनस टू एक्स इज इक्वल है थ्री। ऊपर एक्स माइनस एक्स कैंसिल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस टू इज इक्वल एक्स स्क्वायर की थ्री से मल्टीप्लाई थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री की माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई माइनस सिक्स एक्स। सभी नंबर में राइट शिफ्ट कर दो तो ये मेरे पास आता है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, माइनस टू को राइट ले जाएंगे हम तो ये हो जाएगा प्लस टू। जिसके हम फैक्टर ट्राई करते हैं तो फैक्टर इसके नहीं बन पाते हैं, तो मैं इसे डी मेथड से यानी फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट यहाँ थ्री, बी एक्स का कॉफिशियंट यहाँ माइनस सिक्स और सी यहाँ पर टू है। जब ए बी सी हमारे पास आ गया तो अब यहाँ पर आप डी निकालेंगे तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ बी की वैल्यू मेरे पास माइनस सिक्स है का होल स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू थ्री है और सी की वैल्यू टू है। मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो माइनस सिक्स का स्क्वायर मेरे पास आता है थर्टी सिक्स, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, टू ज़ा हो जाता है ट्वेंटी फोर, थर्टी सिक्स में आप ट्वेंटी फोर माइनस करेंगे आपके पास डी ट्वेल्व आता है। अब हमें एक्स निकालना है तो एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला है आपके पास माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय टू ए। इससे हम वैल्यू पुट करते हैं माइनस बी का वैल्यू माइनस सिक्स है, आप यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे तो माइनस माइनस हो जाता है आपके पास प्लस सिक्स, प्लस माइनस रूट डी का मतलब है ट्वेल्व डिवाइडेड बाय टू इंटू ए का मतलब है थ्री। सिक्स प्लस माइनस ट्वेल्व के आप फैक्टर बनाएंगे तो टू टू थ्री ट्वेल्व के फैक्टर बनते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे टू थ्री से सिक्स हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर टू का पेयर है, टू वन टाइम बाहर आता है, ये टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स हो जाएगा। न्यूमरेटर आप चाहें तो टू कॉमन ले सकते हैं, अंदर थ्री प्लस माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स हो जाएगा। टू से आप सिक्स को कैंसिल करेंगे तो आपके पास इस क्वाड्रेटिक के आंसर एक्स इक्वल थ्री प्लस माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय थ्री आ जाते हैं, जो किसका आंसर है।